अप्रिलिया 457 में कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं जो कि इसकी बेसिक से नीड है। ये देख सकते हो उसमें, तो हमने इससे पहले टैंक पेड लगाया है जो आप हिस्सा रहता है, ये थोड़ा सा ये उभरा हुआ है जिसकी जो है ना ये पूरा रबड़ फॉर्म में है जो कभी ख़राब भी नहीं होता है। यहाँ पर हम लगा रहे हैं सिंगल हाइड्रोलिक, आप डबल भी लगा सकते हो, मैंने लगवा रखा है यहाँ पर, सिंगल में आपका सिंगल लगेगा, ठीक है जी। तो ये इसमें छोटे और बड़े और काफ़ी सारे ऑप्शन, काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं। एम के रेसिंग के जो है बैक साइड में लगा रखे हैं स्पूल, तो पूरी प्रोटेक्टर वाली चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। ये फ्रेम स्लाइडर जो कि प्रॉपर वाले, इसमें काफ़ी सारी वैरायटी और मिलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन कौन से पड़े हैं। आपने ब्लैक लेना है, ब्लू से पूरी सेफ्टी हो जाती है बाइक की, ठीक है जी। फिल्टर वगैरह हो गया सिमटेक का, बाइक गिरता भी है तो ये टूटेगा नहीं बल्कि फोल्ड हो जाएगा, और इसमें भी ऑयल वगैरह डलेगा, ठीक है जी। इसमें डबल का सेट आता है, एक ही आ गया वाला आता है बड़ा वाला लीवर, तो उन लोगों के लिए ये लीवर है, इसे आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हो, कुछ लोगों की फिंगर शॉर्ट हैं या लॉन्ग है इसके हिसाब से भी। प्लस कभी बाइक गिरती है तो ये इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, इसे भी आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। ऊपर गार्ड्स जो आपकी बाइक के लीवर होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके के लीवर गार्ड्स आते हैं। स्लाइडर्स उसमें थे एम के रेसिंग के, मेरे पास ईवो टेक के मिल जाएंगे, या फिर कुछ अलग हटके लेना है तो ये मिल जाएंगे, जिसमें कुछ इस तरीके का इसका ईवो टेक जेनवेन 2000% गारंटी, बाकी एग्जॉस्ट की प्रोटेक्शन हो गई। अभी जो आपने देखे थे वो एम के रेसिंग के थे, ये आ गए ईवो टेक के जेनवेन, सेम चीज़ ही है, लुक लाइक काफ़ी बिल्ड है। तो ये फोर प्रोटेक्शन इसका बेसिकली नाम, रेडिएटर ग्रिल आ गई, तो बाइक चाहे कोई भी हो। तो ऑल राइट गाइस, कैसे आप सब, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम है सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एसकेडी बाइक वर्ल्ड। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया है, तो आज के सिनेरियो में दिखा देता हूं मैं आपको अप्रिलिया 457 में कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं जो कि इसकी बेसिक से नीड है। जैसे कि आप देखोगे सबसे पहले थाई पैड्स एंड टैंक पैड्स का पूरा कॉम्बो लगा हुआ है, ये देख सकते हो उसमें। तो हमने सबसे पहले टैंक पैड लगाया है जो आपने ZS10R में देखा होगा, तो ये वो वाला, मतलब एक तो बारीक सा रहता है, ये थोड़ा सा ये उभरा हुआ है जिसकी जो है ना ये पूरा रबड़ फॉर्म में है जो कभी ख़राब भी नहीं होता है, वन टाइम रहता है। तो ये आ गया आपका टैंक पैड, इधर आ गया आपका थाई पैड्स, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर हम लगा रहे हैं सिंगल हाइड्रोलिक, आप डबल भी लगा सकते हो, मैंने लगवा रखा है यहाँ पर, अगर आप चाहते हो डबल लगाना तो वो भी लगा सकते हो। इसमें डबल बॉक्सेस लगेंगे, सिंगल में आपका सिंगल लगेगा, ठीक है जी। तो ये बॉक्सेस लग जाएंगे, जिस साइड भी लगेगा इस तरीके से आ जाएगा। इसमें छोटे और बड़े और काफ़ी सारे ऑप्शन, काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं, तो हाइड्रोलिक की भी इंस्टॉलेशन चली रही है। इसके अलावा इसमें आप यहाँ देखोगे तो एम के रेसिंग के जो है बैक साइड में लगा रखे हैं स्पून, यहाँ पर पैडोग स्टैंड वाले स्पून आ गए, यहाँ पर फोर प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकते हो, सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकते हो। तो पूरी प्रोटेक्टर वाली चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो पूरी केसिंग के साथ में लगा रखे हैं एम के रेसिंग के फ्रेम स्लाइडर जो कि प्रॉपर वाले, इसमें काफ़ी सारी वैरायटी और मिलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन कौन से पड़े हैं इसके अलावा। तो ये लगे हुए जो कि पूरी की पूरी सेफ्टी रहती है, इनकेस कभी गलती से ही बाइक गिरता है आपका तो आपके जो फेयरिंग वगैरह पूरे सेफ रहते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर जो फोर प्रोटेक्शन लगा रखा है, अभी जो मेरे पास वाले हैं वो भी दिखाऊंगा, ये वाले तो आपने देखे होंगे। एक फोर प्रोटेक्शन और आती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ब्लैक लेना है, ब्लू लेना है, रेड लेना है, तो वो भी मिल जाएगा। इसको लगाने के बाद आपकी पूरी सेफ्टी हो जाती है बाइक की, ठीक है जी। तो ये भी लगवा सकते हो आप, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि मोबाइल होल्डर वगैरह हो गया सिमटेक का। अब हाइड्रोलिक फिट कर लेते हैं, फिर आपको दिखा देते हैं फाइनल इसका लुक कैसा। बाकी इसमें सेफ्टी वाली चीज़ें भी उसमें एड ऑन हो चुकी हैं। ये देख सकते हो जो उसका ये वाला पार्ट था निकाल दिया, जो कि स्टॉक आता है। अभी यहाँ पर जो ये लगा रहे हैं ये देख सकते हो आप, इसके बाद कुछ ये वाले चीज़ आ चुकी है, अब ये फोल्डिंग हो जाएंगे, मतलब कभी जैसे बाइक गिरता भी है तो ये टूटेगा नहीं बल्कि फोल्ड हो जाएगा, और इसमें भी ऑयल वगैरह डलेगा। इसके बाद आपको लुक दिखाते हैं। और इसके अलावा लीवर गार्ड्स इसमें लग चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, फोर्क स्लाइडर्स में लग चुके हैं, फ्रेम स्लाइडर्स लग चुके हैं। और अभी यहाँ पर डबल लगवाना चाहते हो तो डबल के लिए भी अपने पास सेटअप है। अभी इसको लगा के ऑयल डाल के फिर आपको दिखा देते हैं एक फाइनल लुक इसका कंप्लीट कैसा आता है। तो जैसे कि आपने अभी अप्रिलिया देखी, तो उसके अलावा और क्या क्या एक्सेसरीज उसमें लगती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपने देखा अभी हाइड्रोलिक सिस्टम, तो ये कुछ इस तरीके के हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं, ठीक है जी। इसमें डबल का सेट आता है, एक ही आ गया और एक इसका ये आ गया, ठीक है। अब आते हैं इसके जो बॉक्सेस होते हैं, तो इसमें बॉक्सेस एक ये वाला आता है बड़ा वाला, इसके अलावा एक छोटा वाला बॉक्सेस आता है, ठीक है जी। तो ये डिपेंड है कि आप लोगों को कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसमें ऑयल डाल के और आप इसको ईजी टू यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हाइड्रोलिक। अब जिन्हें हाइड्रोलिक नहीं चेंज करने हैं, जिन्हें लीवर चेंज करने हैं ओनली फॉर, तो उन लोगों के लिए ये लीवर है, इसे आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हो, कुछ लोगों की फिंगर शॉर्ट हैं या लॉन्ग है इसके हिसाब से भी। प्लस कभी बाइक गिरती है तो ये इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, और यहाँ से भी आप इसको लॉन्ग कर सकते हो कुछ इस तरीके से। काफ़ी प्रीमियम है और कलर काफ़ी सारे मिल जाते हैं इसमें, ठीक है जी। तो ये हो गया। इसके अलावा लीवर गार्ड्स जो आपकी बाइक के लीवर होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके के लीवर गार्ड्स आते हैं, जिसमें कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। अभी जो ग्रीन आप देख रहे हो
तो ज़रूरी नहीं है आपने ग्रीन ही लगवाना है, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन और मिल जाते हैं। इसकी फिटिंग वैसे इस साइड से आती है, ठीक है जी। तो ये लीवर गार्ड्स हो गए, और भी काफ़ी सारी वैरायटी के मिल जाएंगे। ये लीवर गार्ड्स हो गए आपके। इसके अलावा आपने देखे थे फोर्क स्लाइडर्स, उसमें थे एम के रेसिंग के, मेरे पास ईवो टेक के मिल जाएंगे, या फिर कुछ अलग हटके लेना है तो ये मिल जाएंगे। इसमें भी कलर काफ़ी सारे मिल जाते हैं। ये भी फोर्क स्लाइडर है, ऑल अबाउट सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे होते हैं। तो ये मेरे पास ओरिजिनल है ईवो टेक के, जिसमें कुछ इस तरीके का इसका चीज़ होती है, और काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देखो गाइस, ईवो टेक जेन्युइन 2000% गारंटी ओरिजिनल की, ठीक है जी। जिस तरीके से आपका ये चीज़ काम करती है, उसी तरीके से ये करती है। मेरी डायरेक्ट स्टेनर में भी लगा हुआ है, और अगर आप लोग लगवाना चाहते हो अपनी किसी बाइक में तो लगवा सकते हो। ये आ गया इसका एग्जॉस्ट का प्रोटेक्शन, ठीक है जी। अगर इसके पास बाइक एग्जॉस्ट बाहर निकला, अगर अंडर वैली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी एग्जॉस्ट की प्रोटेक्शन हो गई। अब दिखाता हूँ ईवो टेक के फ्रेम स्लाइडर्स। अभी जो आपने देखे थे वो एम के रेसिंग के थे, ये आ गए ईवो टेक के जेन्युइन। तो जिन लोगों को ये नहीं लगवाने हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो उन लोगों के लिए एक और ऑप्शन है। सेम चीज़ ही है, लुक लाइक काफ़ी बिल्ड है, तो ये भी मेरे पास मिल जाएंगे उससे 10 गुना सस्ते में, ठीक है जी। इसमें कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ये हो गया, ये तो फ्रेम स्लाइडर्स आ गए। अब ये है फोर प्रोडक्शन। जब आप ये चीज़ लगवाते हो तो इसके ऊपर जब ये चीज़ लगती है ना, तो जस्ट इसके ऊपर लग जाते हैं, तो ये आते हैं काम में, पूरी की पूरी सेफ्टी रहती है। तो ये फोर प्रोडक्शन इसका बेसिकली नाम है, अगर आप सर्च कर रहे हो आसान भाषा में। बाकी मेरे पास इजी ग्रिप मिल जाएंगे, जो टैंक पैड थाई पैड वगैरह होगा, इसी तरीके से ये आपके फ्रेम स्लाइडर्स आ गए, रेडिएटर ग्रिल आ गई। तो बाइक चाहे कोई भी हो, ये सारी चीज़ें इसकी मिल जाने वाली है मेरे पास इजीली। बाकी इसमें क्या अच्छा लगा आप ज़रूर बता देना मुझे। गाइस आप फाइनल लुक चेक कर सकते हो, जो हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आ रहा है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है, और काफ़ी एक प्रीमियम टच आ गया इसमें भी। फोल्डिंग वाले इसमें लीवर ऐड हो चुके हैं, डबल साइड चार डबल साइड लगवा सकते हो आप, ठीक है जी। अगली चीज़ जो हमने लगाई थी इसमें मोबाइल होल्डर, वो आप देख सकते हो उसमें लगा दिया है। इसमें आप चार्जिंग विदाउट चार्जिंग दोनों ऑप्शन ले सकते हो। बाकी कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था फोर्क प्रोडक्शन एक फोर्क स्लाइडर, तो वो भी इसमें ऐड ऑन हो चुकी है। सस्पेंशन की प्रोडक्शन के लिए फ्रेम स्लाइडर इसमें ऐड हो चुकी है, प्रॉपर केसिंग के साथ। इसके अलावा बैक साइड से भी कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है, ये देख सकते हो गाइस। तो ऑल अबाउट इसमें टैंक पैड थाई पैड का भी आप लुक देख लो, कुछ ये वाला आ रहा है।